September we met, I can tell by your smile. स्वागत है आपका मेरे चैनल हनी बी गार्डनिंग पे। आज मैं आपको हाइड्रेंजिया प्लांट की केयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाइड्रेंजिया जो है वो एक हिली रीजन का प्लांट है, तो हिली रीजन में इसे काफ़ी हार्डी प्लांट माना जाता है, और अगर आप इसे प्लेन्स में ग्रो करना चाहते हैं तो प्लेन्स में भी ये ग्रो हो जाएगा। बस इसको जो है थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जो है वो ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी, तो आप इसे प्लेन्स में भी ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी जो गुच्छों में होती है, एक्जोरा की तरह, लेकिन मुझे जो है एक्जोरा से इसके फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस प्लांट की एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ये जो अपने फ्लावर्स के कलर है वो चेंज कर सकता है, आप मतलब कि अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हैं इसके फ्लावर्स के कलर। इसके जो फ्लावर का कलर है वो इसकी सोइल की पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सोइल जो एसिडिक है तो इसमें जो है वो लाइट ब्लू कलर के फ्लावर्स आएंगे, और अगर इसकी जो सोइल है उसकी पीएच एल्कलाइन है तो इसमें जो है वो लाइट पिंक कलर के जो वो फ्लावर्स हैं आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे जो फ्लावर्स हैं इसमें जो है थोड़ा लाइट पिंक कलर जो है वो आ रहा है, तो मैंने कोई इसमें इसकी सोइल को एल्कलाइन बनाने के लिए कुछ नहीं किया है, ये नेचुरली जो है एल्कलाइन बन गई है। और अगर आपको इसमें ब्लू या पर्पल कलर के फ्लावर्स चाहिए तो आपको जो है इस सोइल को जो है एसिडिक बनाना पड़ेगा। तो एसिडिक उसमें जो है आपको सोइल की पीएच जो है 5 से लेके 5.5 तक रखनी पड़ेगी, और अगर आपको लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स चाहिए तो आपको जो सोइल की पीएच है वो 6 से लेके 6.2 तक रखनी पड़ेगी। तो कुछ तरीक़ों से हैं जो आप सोइल को एसिडिक बना सकते हैं और एल्कलाइन भी बना सकते हैं। सोइल को एसिडिक बनाने के लिए आप जो है इसमें विनेगर 1 लीटर पानी में एक ढक्कन गोल के दे सकते हैं, उससे जो है इस सोइल जो है वो एसिडिक बन जाएगी और आपके जो फ्लावर्स के कलर हैं वो ब्लू या पर्पल कलर के फ्लावर्स आएंगे। और आप टी लीव्स की कंपोस्ट यानी कि चाय की पत्ती की जो कंपोस्ट है वो भी इसमें दे सकते हैं, वो भी इसे जो है एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगी। और अगर आपको एल्कलाइन बनानी है सोइल और लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स चाहिए जैसे मेरे जो इसमें आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको एल्कलाइन बनाने के लिए जो है वो आप एग शेल्स यूज़ कर सकते हैं, और वुड ऐश जो लकड़ियों की राख होती है उसको डाल के आप जो सोइल को एल्कलाइन बना सकते हैं। तो उसको बनाने से जो है इसमें जो सोइल एल्कलाइन बन जाएगी और आपके जो फ्लावर्स वो लाइट पिंक कलर के आएंगे। तो बात करते हैं अब इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की, तो इसे जो है वो बिल्कुल ही सेमी शेड चाहिए गर्मियों में। अगर आप इसे बिल्कुल फुल सन में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो जल भी सकती हैं, साइड से ब्राउन हो सकती हैं, और कई सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, इसलिए इसे जो है फुल सन में कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा देर ना रखें। अगर आपको थोड़ा सा सन प्रोवाइड करवाना भी है तो आप इसे सुबह मॉर्निंग का 1 आवर का सन प्रोवाइड करवाएं। कई बार जब दिन को समर्स में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसकी जो लीव्स हैं वो विल्ट हो जाती हैं, मुरझा सी जाती हैं, तो इसलिए जो है आप इसे फुल सन में ना रखें। तो अब बात करते हैं इससे पोटिंग मिक्स किस तरीके का चाहिए। तो पोटिंग मिक्स इसे जो है वो मॉइस्ट रहने वाली सोइल चाहिए हमेशा, जो कि गीली रहे हमेशा, थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करके रखे इस तरीके की। तो आप जो है उस सोइल को बनाने के लिए इसमें जो है कंपोस्ट का यूज़ करें, आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप काउडंग कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी मात्रा में काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट इसके पोटिंग मिक्स में डालें तो वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी, तो उसके कारण जो है ये जो आपकी सोइल है वो मॉइस्ट रहेगी। और सोइल जो है वेल ड्रेन, पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना अगर पानी रुकेगा तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। बस थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए सोइल में। तो इसका जो पोटिंग मिक्स आप बना सकते हैं उसमें सोइल सैंड और कंपोस्ट ले लें, 50% आप सोइल ले लें,
20% आप सैंड ले लें और बाकी 30% कंपोस्ट ले लें। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन के बारे में। तो प्रोपेगेशन इसकी जो है वो कटिंग से बहुत ही ईजिली से हो जाती है। देखिए मैंने भी इसे जो है कटिंग से ही ग्रो किया था, मैंने ये हार्डवुड कटिंग जो है इसकी ग्रो की थी और ये उसके बाद से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गया था। तो जब भी आपने इसकी कटिंग लगानी हो तो आप पेंसिल की साइज़ की कटिंग जो है वो लेकर इसकी जो 4-5 कटिंग है वो आप लगा लें। 4-5 में से जो है एक दो कटिंग्स भी आपकी चल पड़ी तो वो ग्रो कर जाएगी। तो सक्सेस रेट जो कटिंग्स का वो थोड़ा कम होता है, इसलिए आप 4-5 कटिंग्स ले ही लें। बाकी पेस्ट कंट्रोल के लिए आप इस पर जो है वो नीम स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल की स्प्रे आप जो है वो 15 दिनों के इंटरवल पे कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई पेस्टिसाइड जो आपके मार्केट में अवेलेबल है वो भी आप इस पर छिड़क सकते हैं, उससे जो है इस पर कोई पेस्ट अटैक्स नहीं करेंगे। तो आज मैंने आपको हाइड्रेंजिया केयर के बारे में बताया। अगर आपको कोई इसके और केयर के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।